को आजमाइश के दिन मैं कैसे भूल सकती हूँ। बहुत मुश्किल वक्त था हम पर। मैं वो भूल ही नहीं सकता कि किस तरह आपने अपने जेवरात बेच के अपने माँ बाप की जायदाद में से जो भी हिस्सा आपको मिला था वो सब बेच के सारा कैश आपने मुझे थमा दिया था और कहा था कि जाओ अपनी जहानत और डिग्री के बलबूते पे मुझे कामयाब कर दिखाओ। अल्लाह ना करे ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं आप। खुदा ना करे कि कभी आप पे दुनिया तंग हो। जब रिश्तों की हकीकत सामने आने लगती है पर आपका जीने का दिल नहीं करता। भाभी आप यहां बैठी हैं, नाश्ता नहीं किया आपने? दिल नहीं चाह रहा। तबीयत ठीक है आपके? हाँ ठीक है। बच्चे स्कूल चले गए? चले गए। कमाल है आज मिले बगैर चले गए। आजकल तुम अपने कमरे में ही रहते हो ना, तो मैं डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं समझा। वैसे भी कोशिश कर रही हूँ उनकी आदतें बदलने की। क्यों बदलना चाहते हैं बच्चों की आदतें? क्योंकि वो बड़े हो रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि गलत और सही में फर्क जान लें। नाराज है मुझसे? तुम्हें ऑफिस के लिए देर नहीं हो रही? बात नहीं करना चाहते। ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हारा वहम है। फलक के बारे में बात करना चाहती हूँ। दुख तो मुझे तुम पर है तैमूर, कि तुमने मेरे किरदार पर शक किया। मैंने ये फैसला मजबूरन किया जबकि ये फैसला था तुम्हें लेना चाहिए था। लेकिन तुम ये फैसला क्यों लेते? जाहिर है फलक तुम्हारी बीवी है और मेरी खातिर अपनी बीवी से झगड़ा थोड़ी करोगे, और करना चाहिए भी नहीं। अभी आप मेरी जिंदगी में सबसे बढ़कर हैं। इसीलिए मेरी तफ्तीश करने के लिए डॉक्टर के पास चले गए हैं ना? मैं ये भी नहीं सोचा कि मेरे बारे में क्या सोचेगी। ये मुझसे गलती हो गई। चल चल बाजी में चला गया। उसके लिए हम सॉरी। ये बात फलक को भी नहीं पता। तुम अभी तक उसे बेकसूर समझ रहे हो? अभी मेरा हर किसी से मतलब नहीं था। मैंने हमेशा तुम्हारी खुशी चाही है तैमूर। मेरी तो दुआ है
कि फलक तुम्हें कोई ना कोई खुशी जरूर दे।